पंजाब के खरड़ में खुलने जा रहे जच्चा बच्चा केंद्र का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री भगवंत मान सुबह 10:30 बजे पहुंचे। इस दौरान उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कच्चा मुलाजिम संघर्ष कमेटी के बैनर तले सैनिटेशन बिजली विभाग समेत अन्य विभागों के कच्चे कर्मचारियों ने वहां पर नारेबाजी करते हुए उनकी कार को घेर लिया। मुख्यमंत्री के कार का घेराव होता देखकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारियों को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कहा कि चुनाव से पहले सीएम खुद उनके धरने पर बैठकर कहते थे कि उन्हें पक्का किया जाएगा, लेकिन सरकार बनने के बाद वह अपने वादे से पलट रहे हैं। इस पर उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश में कहीं भी सीएम का कार्यक्रम होगा तो वह इसी तरह उनका विरोध करेंगे। जब तक उन्हें वादे के अनुसार पक्का नहीं किया जाता, उनका संघर्ष जारी रहेगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की सूचना के बाद आसपास के गांव समेत रोपड़, चमकौर साहब, मोरिंडा, कुराली आदि इलाकों के बड़ी गिनती में कार्यकर्ता कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए थे। पुलिस और सीएम सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों ने अधिकतर कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में जाने से रोक दिया, जिससे वे मायूस होकर लौट गए। गांव खानपुर से आए हरप्रीत सिंह ने कहा कि उनके पिता की मौत 2003 में हो गई थी। वह बिजली विभाग में कार्यरत थे। उनकी मौत के बाद उन्होंने नौकरी लेने के लिए कई बार अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उनसे नौकरी देने के बदले 50 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने गांव से संबंधित मुख्यमंत्री भगवंत मान को शिकायत देने के लिए यहां आए थे, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।